अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सुमान में रखे, आमीन सुमामी। तो टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज है शॉपिंग हॉल की वीडियो मेरे पास, और वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा अच्छा जो है प्रोडक्ट्स अम्मी जो है वो लेकर के आई हैं, अम्मी पापा जा कर के मार्केट से। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, शायद आपके कोई काम आ जाए मेरी वीडियो, इसलिए मैं अगर आपको दिखा रही हूँ। और ये है स्पून और फॉक्स का सेट, फॉक का सेट है ये, और इसमें बड़े स्पून्स भी हैं और छोटे स्पून्स भी हैं और फॉक भी है, और 18 पीसेस हैं कुल इसमें सबको जोड़ करके। और एक ये है, ये 100% स्टेन स्टील है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, हैवी है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और स्पेशल मेहमानों के लिए स्पेशल स्पून। और यहाँ पर हमने जो है वो नाइफ़ लिया है, तो वीडियो वगैरह के लिए लिए, क्योंकि हमारी नाइफ़ जो काफ़ी पुरानी हो गई, तो इसलिए अम्मी जो है वो नई नाइफ लेकर आई है मेरे लिए। सीज़र भी इसमें हमें मिली है और चॉपिंग बोर्ड भी मिला है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि इसमें चॉपिंग बोर्ड भी है, इसलिए हमने इसे निकाला नहीं, बस नाइफ आपको दिखा दिया और सीज़र दिखा दिया और फिर रख दिया। और फिर ये है ड्राई फ्रूट बॉक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, इसकी पैकेजिंग भी सही है। तो ये अम्मी जो है वो खुद जा कर के लेके आई हैं, ये ऑर्डर मैंने नहीं किया है ऑनलाइन, और इसको अब मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ। अभी तक मैंने इसे देखा भी नहीं है अंदर से। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है, वहाँ मिला ही नहीं रहता कहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन वर्थ और इसमें ड्राई फ्रूट ही सही लगेंगे, दालमोट नहीं सही। हाँ, दालमोट कहाँ अच्छी लगेगी, ड्राई फ्रूट सही लगेंगे, ऐसे ड्राई फ्रूट। तो देखा आपने मेरा एक्सप्रेशन, और अच्छा लग रहा है वैसे, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद हमने जो है वो एक और ड्राई फ्रूट बॉक्स लाई हुई थी, लेकिन मुझे वो इतना स्पेशल नहीं लगा जितना स्पेशल ये लगा, काफ़ी रॉयल टाइप का इसको देख के टच आ रहा है, लुक आ रहा है। तो और ये जो है अम्मी साथ ही साथ स्ट्रॉबेरीज लेकर के आई थी, जो कि देखने में तो काफ़ी फ्रेश है, लेकिन उतनी फ्रेश थी नहीं, बस दो ही दिन रखा और वो ख़राब हो गए। तो हमने कुछ स्ट्रॉबेरी खा के इंजॉय भी करा था, काफ़ी टेस्टी भी थी, और साथ ही साथ कुछ कॉर्न्स भी लेकर के आई थी, जिनकी स्वीट कॉर्न रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाल दिया है, और आप जा कर के उसे चेक कर लीजिएगा, मैं ऊपर आई बटन पर उसे मेंशन कर दूँगी। से फाड़ क्यों कर रही है, हम निकाल दें, हम निकाल दें, जब वो निकाल रही है तो कहाँ है, हाँ तो निकाल लो, बस सही निकलेगा अभी। ये देखो ये पन, ये पन्नी इसे फाड़ दो तो हो रहा है लग जाएगी, अभी वो भी दिखा दे, खुली हिंदी वाली का है, ये चॉपिंग बोर्ड ये है, ये चॉपिंग बोर्ड है, बताओ ये कलंक है, चलो यूज कर लेंगे। तो ये शॉपिंग बोर्ड हमें इसके साथ मिला हुआ है, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं ना, बस काम का है और काम चला हुआ है, और हमने यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल भी करके दिखा दिया है, इसका यूज़ करके दिखा दिया है, और नाइफ भी काफ़ी परफेक्ट है, अच्छी इसकी शार्पनेस है, और प्रेस्टीज ब्रांड ही ऐसा है, और लेकिन इसके प्राइस भी ऐसे ही हैं जैसे इसका ब्रांड है बड़ा, तो इसलिए हमें ये 500 की मिली थी। और टू नाइफ्स है इसमें, एक बड़ी है, एक छोटी है, एक चॉपिंग बोर्ड है और सीज़र है। तो ये सब सामान जो है वो अम्मी लेकर के आई थी पापा के साथ जाके, और ये जो दस्तरखान वगैरह ये मैं लेकर के आई थी, कल जो मैंने वीडियो डाली है उसमें जब मैं मार्केट गई थी तो मैं ये वाला सामान लेकर के आई थी, और ये फ्रूटी टाइप का दस्तरखान है और छोटा है, तो ये पापा के लिए है, और कभी कभी कम लोग होते हैं खाने के लिए, तो इसलिए हमने एक छोटा दस्तरखान ले लिया है, और इसमें बहुत प्यारे प्यारे फ्रेश फ्रेश फ्रूट बने हुए हैं। और यहाँ पर अम्मी की चूड़ी, अम्मी ने चूड़ियाँ भी ली हुई हैं, और साथ ही साथ ये दस्तरखान जो हम देख रहे थे काफ़ी स्पेशल और बड़ा दस्तरखान है, और इससे भी हम आपको, अच्छा तो ये मैं आपको खोल करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि इसको फिर तय करने में काफ़ी दिक्कत होती, आप ऐसे ही देख लें, ये लैस वाला दस्तरखान है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और मेहमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है।
तो ये वाला दस्तरखान हमने ले लिया था, और जो सामान है वो भी मैं आपको दिखा दूँ साथ ही साथ। और ये मैंने अपने लिए हैंडबैग ले लिया है, और ये दो कंटेनर्स भी हमने ले लिए हैं कुछ सॉल्ट एंड शुगर वगैरह रखने के लिए। और ये मम्मा फिर गई थी पापा के साथ सामान लेने के लिए, तो इसलिए ये कुछ और सामान है जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ऑयल डिस्पेंसर मम्मा जो है वो लेकर के आएंगे घर के लिए, क्योंकि जो है ऑयल हमसे जो वो ज़्यादा ज़्यादा डल जाता है, क्वांटिटी हमें पता नहीं चल पाती। तो हमें ने कहा था कि ऑयल डिस्पेंसर ला देंगे, तो आप उससे निकालिएगा, क्योंकि हम लोग जो है खान में ऑयल वो कभी ज़्यादा कर देते हैं तो कभी कम कर देते हैं। ये रहेगा तो इससे थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये मम्मी ले आई थी, और ये उन्हें पड़ा था 250 का। जो सामान के मुझे प्राइस पता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, जो नहीं पता है वो छोड़ दे रही हूँ। और ये मुझे लगभग 250 का पड़ा, और ये मैंने ले लिया है, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, अभी हम इसे यूज़ भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे पास मिल्टन की केटल है, तब मम्मा लेकर के आई हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इसमें चाय वगैरह हम रख लेते हैं तो काफ़ी देर तक के गर्म रहती है। तो नेक्स्ट आइटम जो है वो ये है ग्लासेस, और काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं। और उसके बाद जो है ये कप्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका प्रिंट है, और मेहमानों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। और ये जो है वो वन पीस जग है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, काफ़ी क्लियर है, और अच्छा डिज़ाइन है इसका, इसकी भी हमें काफ़ी नीड थी, तो मम्मा जो है वो इसे भी लेकर के आई हैं। और इसमें वाटर या जूस वगैरह रखे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। हमारे पास ऑलरेडी एक है, लेकिन अम्मी हर चीज़ जो है वो डबल लाई हैं, मतलब एक पहले से और एक ले आई हैं। और बस ये है हमारे पास सामान, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मम्मा जो है वो लेकर के आई हैं मेहमानों के लिए। तो ये है चिलगोज़ा, और ये टेस्टी होता है खाने में, टेस्टी से ज़्यादा ना ये हेल्पफुल होता है, हेल्थफुल होता है, सेहत से भरा हुआ है ये। और काफ़ी मुझे नहीं पसंद आया ये मूंगफली, इससे अच्छी तो मूंगफली लगती है, और ये मुझे नहीं अच्छा लगता। पाइन नट्स से ज़्यादा बेटर मुझे पीनट्स लगते हैं, और ये मेहमानों के लिए अम्मी लेकर के आई हैं। और बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और इस ड्राई फ्रूट में से आपको कुछ भी चाहिए ना, बेझिझक उठा लीजिएगा, पूछने की ज़रूरत नहीं, बस उठा